गुरु मिला तब जानिए मिट्टी मोहतन ताप, हर्ष शोक दिया पे नाही, हर्ष शोक दिया पे नाही, तब गुरु आपे आप। वेलकम टू माय चैनल करेक्ट बायोलॉजी। मेरे चैनल करेक्ट बायोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं सच्चाई, ट्रुथ। हम आपको सिखाते हैं सच्चाई, ट्रुथ, जिससे कि आप क्या क्लियर कर सकें, अपना नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमसे सीखेंगे, तो क्या पाएंगे? ये पाएंगे कि बहुत सारी बातें बायोलॉजी की आपको झूठी परोसी गई है, झूठी। तो चलिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अबाउट क्रोमोसोम्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अबाउट क्रोमोसोम्स। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आपको मालूम होगा सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज होता है वो कितना है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर। पर अगर आप अपनी किताब देखें तो किताब के अंदर आपकी जो सेल है उसका जो साइज, यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना बता दिया गया है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। अगर आप इस तरह से देखें तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो गया। नहीं, आपकी किताब के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल गलत दी हुई है। सेल का जो साइज है वो कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। कितना, 10 to 100 माइक्रोमीटर। पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपकी किताब में जो डायग्राम दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज कितना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है जनरली कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। ओके, तो बात आगे करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। पर यह भी बात याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने क्या देखी, एक डेड सेल देखी, एक डेड प्लांट सेल को देखा। लाइव सेल को किसने देखा सबसे पहले, किसने, एंटनी वॉन लेवेनहुक ने देखा। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने क्या बनाया था, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंटनी वॉन लेवेनहुक ने क्या बनाया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज बात किससे रिलेटेड हो रही है, क्रोमोसोम से। तो आपको मालूम होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, क्या, डीएनए। तो पहले डीएनए की ही बात कर लेते हैं। क्या आपको मालूम है डीएनए की खोज किसने की, बताइए, वाटसन एंड क्रिक। नहीं, याद रखिएगा, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था। डीएनए की खोज किसने की, फ्रेडरिक मिस्चर ने की, फ्रेडरिक मिस्चर ने की। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक ने। और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है, क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। देखिए, सेल के अंदर क्या है, डीएनए है। ओके, इट इज
इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, और यही फाइबर्स, ये डीएनए के फाइबर्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और वो अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। कब अपीयर होते हैं, अच्छे कब दिखते हैं, जब सेल क्या होती है, मेटाफेज स्टेज पे। कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे। माइटोसिस की आपने स्टेज पढ़ी होगी ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज डिस्कस करेंगे। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे। अब बात करें सबसे पहले क्रोमोसोम्स किसने देखे, तो याद रखिएगा वाल्थर फ्लेमिंग ने। आपकी किताब में देखोगे तो सिर्फ फ्लेमिंग लिखा हुआ है, पूरा नाम क्या है, वाल्थर फ्लेमिंग। याद रखिएगा वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में सबसे पहले सेल के अंदर क्या देखा, क्रोमोसोम्स को देखा। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर अगर आप देखें तो ये क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन समझने की कोशिश कीजिएगा, क्रोमैटिन में क्या क्या होंगे, डीएनए होगा, आपका डीएनए है, प्लस प्रोटीन्स। जनरली कौन से प्रोटीन्स, हिस्टोन्स प्रोटीन्स, कौन से, हिस्टोन्स प्रोटीन्स और डीएनए, वे दोनों एक साथ पैक कर दिए गए सेल के अंदर, आप सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए सिंथेसिस। तो क्रोमैटिन के साथ आपको मिल सकते हैं क्या, आरएनए। पर याद रखिए क्रोमैटिन एक्चुअल में क्या है, डीएनए और प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है जो पैक कर दिया गया है किसके अंदर, सेल के अंदर। और ये जो क्रोमैटिन के फाइबर है कंडेंस होते हैं और वो अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। किसकी फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। यहां पे मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आप जानते होंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स। अगर बात करें मेल की, ओके, तो यहां पे आपको क्या मिलते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, और एक वन पेयर क्या मिलता है, सेक्स क्रोमोसोम XY। बात करें अगर फीमेल की, ओके, तो यहां पे 22 पेयर्स क्या मिलते हैं, ऑटोसोम्स, और यहां पे एक पेयर क्या मिलता है, XX क्रोमोसोम का। यहां पे मैं बताना चाहूंगा अगर आप ह्यूमन बींग के टोटल जीनोम कंटेंट को देखें, ह्यूमन जीनोम को देखें, तो आप क्या पाएंगे इन्फॉर्मेशन कि ह्यूमन जीनोम में कितने लेटर्स हैं, 3 बिलियंस लेटर्स। कितने, 3 बिलियंस लेटर्स, मतलब कि 3×10^9 बेस पेयर्स। याद रखिएगा ये क्या है, हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट है, ये क्या है, हैप्लॉयड। अब ह्यूमन बीइंग क्या है, वी आर डिप्लॉयड, तो टोटल कितना होगा हमारा, 2×3×10^9 कितना होगा, 6×10^9 बेस पेयर डीएनए प्रेजेंट है किसके अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर। अब कोशिश करेंगे टोटल डीएनए लेंथ निकालने की। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.034 नैनोमीटर। कितना है, 0.34 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर 3.4 नैनोमीटर, ओके, आपने देखा होगा 10 बेस पेयर कितने हैं, उनकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर की कितना, 3.4 डिवाइड बाय 10 नैनोमीटर। अब ह्यूमन जीनोम में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, 6×10^9 बेस पेयर, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3.4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6×10^9 बेस पेयर, ओके। तो अब यहां पे क्या था, नैनोमीटर में था।
तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.34 इंटू 10^-9 मीटर इंटू 6 इंटू 10^-9। ओके, ये बेस पेयर है। अब यहाँ पे देखिए इसको कट। ओके, तो अब अगर आप सोल्व करते हैं 6 इंटू 0.34 तो आपका आएगा 2.04। तो समझिए कि 2 मीटर, 2 मीटर डीएनए क्या है, 2 मीटर डीएनए को पैक कर दिया गया एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। देखिए सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और मैंने बताया है ये कितना है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है, 10^-6। और उसके अंदर क्या है, 2 मीटर डीएनए। गजब का काम कर दिया मदर नेचर ने, इतना बड़ा डीएनए पैक कर दिया एक छोटे से स्पेस में। मैं तो इसको कुछ इस तरह से समझता हूं कि जैसे एक घर में क्या है, एक पूरा शहर उठा के पैक कर दिया। कोई कर सकता है क्या, नहीं। पर यह करिश्मा आपकी हर सेल के अंदर हुआ है, पर यह करिश्मा आपकी हर सेल के अंदर हुआ है। अगर आप देखेंगे आपकी हर सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, एक जन्म की नहीं, कई करोड़ों जन्मों की। आपके अंदर देखो ना, आपके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है किसकी है, आपके सभी एंसेस्टर्स की है। वो कई करोड़ों आ चुके हैं भाई, उन सबकी इंफॉर्मेशन आपके अंदर है। जीवन में कभी अकेले हो, बैठे हो, थोड़ा याद करने की कोशिश करो आपके अंदर कितने पूर्वजों की इंफॉर्मेशन है, उनकी ताकत, उनकी शक्ति आपके अंदर है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है जननी, जो क्रोमोसोम्स हैं, ओके, वो क्रोमेटिन फाइबर के रूप में दिखते हैं, ओके, इंटरफेज में, इंटरफेज स्टेज में, ओके। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है क्रोमेटिन, ओके, इट इज गोइंग टू हैव मेल डीएनए प्लस प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स भी कौन से, हिस्टोन्स प्रोटीन्स। कौन से, हिस्टोन्स। मेजरली क्या है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स, पर नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं कुछ। यस, मैंने बताया है कि भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए भी दिख सकता है उसके साथ। ये सभी क्या है, पैक कर दिए गए। तो क्रोमेटिन में जल्दी आपको क्या देखने को मिला, डीएनए प्लस हिस्टोन्स प्रोटीन्स। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि भाई जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर गोइंग टू अपीयर क्लियरली व्हेन द सेल इज एट मेटाफेज स्टेज। जब सेल है क्या है, मेटाफेज स्टेज पे है, तो इस तरह से क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, इसमें जो डीएनए क्या है, डुप्लीकेटेड हो चुका है। क्योंकि आप जानते हैं सेल की क्या होती है साइकिल, G1S G2M। एस स्टेज में डीएनए क्या हो चुका है, डुप्लीकेट। एस स्टेज में क्या, डीएनए डुप्लीकेट। तो यहां पे ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए क्या है, डुप्लीकेटेड। याद रखिएगा, वन क्रोमोसोम क्या है, वन क्रोमोसोम इज गोइंग टू हैव टू क्रोमेटिड्स। इसके अंदर क्या है, दो क्रोमेटिड्स हैं, एक ये एक ये, और ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स। ओके, तो वन क्रोमोसोम इज गोइंग टू हैव टू क्रोमेटिड्स। अब यहां पे याद रखिएगा, वन क्रोमेटिड इज इक्विवेलेंट टू वन डीएनए मॉलिक्यूल। तो एक क्रोमेटिड क्या है, वन डीएनए मॉलिक्यूल। अब एक क्रोमोसोम के अंदर क्या है, दो क्रोमेटिड। तो याद रखिएगा, वन क्रोमोसोम हैव टू डीएनए मॉलिक्यूल। अब अगर आप देखें तो मैंने बताया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल कितने होंगे, डबल। ओके, तो उसके अंदर क्या है, 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्या है, 92
डीएनए मॉलिक्यूल्स, जब सेल क्या है मेटाफेज स्टेज पे है। यस, अगर आप यहां पे देखें कि एक क्रोमोसोम को सिंगल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिंगल, तो यहां पे सेंटर में देखिए क्या है, सेंट्रोमियर, क्या है सेंट्रोमियर। अब क्रोमोसोम है, इसकी दो रीजन अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक क्या है स्मॉल है, एक क्या है बड़ा है। जो स्मॉल आर्म है ओके, उसको हम क्या बोलते हैं पी आर्म, पी फॉर पेटाइट ओके, तो इसको क्या बोला जाता है स्मॉल आर्म। क्यू, क्यू क्या है बड़ी आर्म, क्या है बड़ी आर्म है। अब जो सेंट्रोमियर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब थोड़ा मैं आपको मेटाफेज क्रोमोसोम दिखाऊं इस तरह से, तो आप इस तरह से दिखाते हैं, तो ये बीच में क्या है सेंट्रोमियर है। अब यहां पे देखिएगा जो सेंट्रोमियर है ना, उसके पास दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन्स हैं अटैच्ड हैं ओके, और वो किसका काम कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू मेक काइनेटोकोर, क्या बनाते हैं काइनेटोकोर ओके। ये जो काइनेटोकोर है इट इज ए डिस्क शेप, ये किस शेप का है डिस्क शेप का है ओके। और ये जो प्रोटीन्स हैं एक्चुअली काइनेटोकोर जो के जो प्रोटीन्स हैं वो अटैच होते हैं किससे, स्पिंडल फाइबर से, किससे स्पिंडल फाइबर से, इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं और फिर ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनको सेपरेट कर देते हैं। तो जो काइनेटोकोर है ओके, अब यहाँ पे काइनेटोकोर देखिए कितने हैं, दो हैं, कितने टू काइनेटोकोर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ओके। तो आप एक क्रोमोसोम के अंदर क्या देख रहे हैं, एक सेंट्रोमियर देख रहे हैं, उसके दोनों तरफ क्या है डिस्क से प्रोटीन्स, वो क्या बना रहे हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। जब सेल किसकी स्टेज में होगी माइटोसिस की स्टेज में, तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, तो क्रोमेटिड्स क्या होंगे सेपरेट होंगे, तो वहां पे काइनेटोकोर्स का रोल है। अब मैंने आपको बताया है कि एक क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ऊपर देखेंगे तो क्या एक शॉर्ट आर्म है, एक क्या लॉन्ग आर्म है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। कई बार क्या होता है ये इक्वल होती है बड़ी ओके, एक सिंपल उसमें देखेंगे तो इस तरह के क्रोमोसोम को जिसमें पी आर्म और क्यू आर्म क्या है सेम लेंथ की है, उस तरह के क्रोमोसोम्स को हम क्या देखेंगे बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में याद रखिएगा जो सेंट्रोमियर क्या है वो सेंटर में है। कई बार आप देखेंगे यही जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सा हट जाता है ओके, सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा सेंटर से दूर है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी पी आर्म क्यू आर्म, क्यू आर्म यहां पे क्या होगी बड़ी होगी ओके। यहां पे देखिएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगी पी आर्म और क्यू आर्म क्या होंगी सेम लेंथ की होंगी। यहां पे क्या होंगी पी आर्म क्या है छोटी है, क्यू आर्म क्या है बड़ी है ओके। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कई बार यही सेंट्रोमियर और ज्यादा किनारे पे चला जाता है ओके, तो आपकी पी आर्म क्या हो जाती है बहुत छोटी हो जाती है और क्यू आर्म क्या हो जाती है बहुत बड़ी हो जाती है ओके। तो इस तरह के क्रोमोसोम को जब आपका सेंट्रोमियर एक किनारे पे चला गया उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, क्या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कई बार ऐसा भी होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड पे आ जाए क्रोमोसोम के, इस तरह के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं टीलोसेंट्रिक
क्रोमोसोम्स। याद रखना कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमारे अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ओके, टीलोसेंट्रिक। यस, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर हो ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। पर याद रखिएगा, जो एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं वे लॉस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। ये बात हम सीखेंगे जब हम सीखेंगे कि सेल डिवीजन का प्रोसेस कैसे होता है। अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया है कि भाई एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड दिखा रहे, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दो आर्म है। ओके, तो ये सेंट्रोमियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, इसी के चारों तरफ क्या है, काइनेटोकोर है, और यहीं पे आके क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। क्या होते हैं, अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। याद रखिएगा, कई बार कुछ क्रोमोसोम्स में आपको देखने को मिल सकती है क्या, एक और कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, सेंट्रोमियर समझिए कि वहां पे एक और, तो इस तरह यहां पे इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, और इस तरह के क्रोमोसोम जिसपे आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। तो होपफुली आपने आज सीख लिया है क्लियरली अबाउट क्रोमोसोम्स।